वहां बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए। Sweet.
गेन जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ अंपायर के इशारे का इंतजार। देखिए पर अगर बैनर को लगा है तो फिर सिक्स है। बैनर के किस तरफ यानी बिल्कुल बाहर की साइड अगर गेन निकलती है तो डिक्लेयर आउट हो जाएगी। हमारे वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद है, यस मंगेश के सपुत्र वहां पर मौजूद है। बैनर पे अगर बॉल लगी है तो फिर सिक्स काउंट की जाएगी। यस अंपायर डिसीजन क्लियर करना है। छह रन गणेश मनीरा सर भी रीड इसको डिक्लेयर करते हुए। बॉल अगर साइड से निकल जाएगी तो फिर वहां पर डिक्लेयर जोन है। कमेटी के सदस्य भी वहां पर खड़े हैं, कमेटी मेंबर भी वहां पर खड़े हैं। वहां पर हमारे कमेटी मेंबर भी है। बैनर को अगर बॉल लगी है तो कंपल्सरी डिसीजन क्लियर किया गया है वो डिसीजन क्लियर होगा।
आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए।
सज्जवतो गोलंदाजी मार्ग अरुण परचा आणि स्ट्रायकिंगला उबेद खान. पहिला चेंडू घेऊन 38 सर्कल मात्र पहिल्या षटकामध्ये तर लक्ष आहे 71 या धावसंख्येचं. तर पार करेल का न तलवार 11 मीरा रोड. बॉय स्टँडर्ड मीरा रोड सॉरी रॉयल स्टँडर्ड मीरा रोड. हॅलो ह्यावेळी जबरदस्त चेंडू पहिला चेंडू निर्धाव जातोय अरुण परचा स्ट्रायकिंगला उबेद खान. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू यावेळीच अप्रतिम ड्राईव्ह चेंडू वन बॉन्स जाईल ती मारे का पार चौकार. जे दुसऱ्या चेंडूवर मात्र श्री गणेशा करतोय संघाचं आणि स्वतःच सुद्धा तो अकाउंट ओपन करतोय. उबेद खान ऑन फायर चेंडू जाईल सीमा रेखा पार षटकार. धन्यवाद डीजे दोन चेंडू मध्ये 10 धावा खर्च करतोय. तीन चेंडूंचा खेळ संपलाय दोन चेंडूमध्ये मात्र 10 धाव. पुन्हा एकदा चौथा चेंडू घेऊन सज्ज होईल अरुण परचा. यावेळीच अवंतर धाव अवंतर धाव संख्येत भर आणि संघाची धाव संख्या वेगाने वाटचाल करताना. व्हॉट अ हिट दिस इज अ बिग बिग एंड बिग ब्लो आउट ऑफ द पार्क उबेद खान के बल्ले से एक और सिक्सर. What a hit, क्या बात है, क्या बड़े बड़े हिट उबेद खान के बल्ले से जिन्हें प्यार से मुन्ना कहा जाता है. एक बिग हिट जरूर 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 देखने मिला इस बॉल पर. इस बार देखिए What a hit, उबेद खान को रोकना अब मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आता हुआ अरुण पारचा करते हुए रन खर्चा. बढ़ तो बल्लेबाजी ऐसा लग रहा है कि यहां पर हाइलाइट्स देखने मिल रहा है. क्या बैटिंग कर रहे हैं अरुण पारचा की अगली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप तेज तर्रार गेंद थी अपील की गई अपील को नकारा है अंपायर ने. यस हमारे अंपायर मनीष सर अनुभव से भरपूर ओवर की समाप्ति और पहली ओवर में लूट लिए हैं 23 रन.
बिल्कुल नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, मुन्ना ऑन स्ट्राइक, बैकफुट पंच, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा कैच, विकेट का पतंग। बिल्कुल एक बड़ा झटका लगा है, बड़ा विकेट हाथ लगा है और जाते जाते में, लेकिन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया यहां पर उबेद खान ने। उबेद खान नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर लौटे हैं अमूल की अगली गेंद सामना करने के लिए सज्ज होते हुए। जुनेद इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, एक बिग हिटर बैट्समैन जुनेद आउट होकर पवेलियन की राह लौट। न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए इस वक्त जरूर राहुल। नेक्स्ट बॉल रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद रही टॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी नो डाउट अमूल ने आते ही साथ किफायती गेंदबाजी करना शुरू किया। बैक टू बैक दो गेंदों पे दो बड़े झटके दिए और जो रनों पर लगाम लगानी थी, रनों को जो रोकना था, उसमें कामयाबी हाथ लगती हुई। नेक्स्ट मैच विनिंग टीम वर्सेस वॉकबिल टीम, रेडी रहिए, आपका मुकाबला खिलाया जाएगा। नेक्स्ट अगली गेंद इस बार खेल दिया है, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के तरफ, हवाओं के संग झूमती हुई, आसमान को चूमती हुई गेंद 6 रन के लिए निकलती हुई। थैंक यू डीजे, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन। इस 6 के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। इस बार देखिए एक और बड़ा हिट आउट ऑफ द पार्क, खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे, गेंद 6 रन के लिए।
35 रन टू विन, 18 बॉल्स 18 गेंदे बची हुई हैं, क्या 35 रन बन पाएंगे ये देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर करने वाली टीम रही है सोनू आई मरुआई बालकुम टीम, जो कि लक्ष्य उन्होंने रखा है 71 रन का, टारगेट काफी बड़ा है और टारगेट का पीछा करती हुई इस वक्त रॉयल स्टनर्स मीरा रोड। पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर वेदांत, बिल्कुल एक युवा खिलाड़ी हैं, हाल ही में अंडर 18 में परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आए थे, स्पीड एकेडमी से परफॉर्मेंस करते हैं, और इनके सर की अगर बात करें तो स्वप्निल ठुमरे सर इन्हें ज़रूर गाइड करते हैं। पहली गेंद पर बड़ा हिट, वन बाउंस गेंद आउट ऑफ द पार्क, 4 रन। अब बाद है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक तरफ राहुल तो दूसरी तरफ नजर आते हुए अरफात, राहुल और अरफात की जोड़ी करती हुई विकेटों के बीच में रनों को जोड़ती हुई। इस बार बैट का मोटा सिरा लगा था, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, वैभव गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए, गेंद रही डॉट के रूप में, इस डॉट डिलीवरी के साथ वेदांत अच्छा कमबैक करते हुए। रनों की अगर बात करें तो 16 गेंदों में 31 रन की जरूरत है, इस मैच को जीतना है तो 16-31 बनाने जरूरी, 16 गेंदे 31 रन, टफ एनकाउंटर मैच इस वक्त जारी है, एक तरफ मीरा रोड तो दूसरी तरफ बालकुम। इस बार ओहो व्हाट अ हिट, पुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन के लिए खूबसूरत राहुल, यस सर, राहुल के बैट से आता हुआ ये एक खूबसूरत सिक्स। क्या बात है, नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग राहुल की जरूर देखने मिलती हुई। 3 गेंदों का सामना किया है अब तक के 10 रन बनाए हैं और वो भी 10 रन वेदांत की ओवर में ही। स्कोर की अगर बात करें तो मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, रनों की रन संख्या आगे बढ़ती हुई, स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। जीत के लिए 15 गेंदे 25 रन 25 रन 15 गेंदे, क्या होगा क्या नहीं देखते हैं, क्योंकि पहला मैच ही टफ एनकाउंटर की तरफ कन्वर्ट हुआ था। वेदांत की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार राहुल, इस बार अंपायर का इशारा यस नो बॉल, 2 रन के लिए निकले हैं और 2 रन किए हैं कंप्लीट, यस बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट उसके कारण 2 रन, अंपायर का यस निर्णय आया है नो बॉल, कमर के ऊपर बीमर डिलीवरी थी इसलिए अंपायर गणेश मनेरा जो कि स्क्वायर लेग अंपायर है, एक बेहतरीन आयोजक भी हैं, फरवरी में आप ज़रूर देखेंगे 2 तारीख से लेकर कंटिन्यू 3-4-5 तारीख तक के रहेगी उनकी प्रतियोगिता। डीआर चषक दीपक मनेरा साहब के जन्मदिन के अवसर पर वाकपील में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है क्रिकेट के रूप में। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार वेदांत, फ्री हिट वाली बॉल थी, इस बार देखिए अंपायर का निर्णय वाइड बॉल, यस अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ, फ्री हिट वाली बॉल अभी भी बाकी है, फ्री हिट पर कितना बड़ा हिट लगता है ये देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि रनों की रन संख्या इस वक्त दर्शाती हुई पूरे 50 रन, यानी 50 रन कंप्लीट करती हुई इस वक्त रॉयल स्टनर्स टीम मीरा रोड।
जीत के लिए 71 रनों का पीछा करना है। 15 गेंदें बची हुई हैं, 21 रन की जरूरत। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। यस, सिंगल कंप्लीट किया है। यस, फ्री हिट है, अपील की थी आपने, लेकिन आपको ये चीज का भी अनुमान होना जरूरी है कि बॉल फ्री हिट है। सिंगल के साथ मैच में अब रोमांच बढ़ता हुआ, 14 गेंदे 20 रन। किसने सोचा था कि आज के दिन के हाईएस्ट स्कोर के करीब भी पहुंच पाएगी ये टीम। लेकिन मुन्ना का जो स्टार्ट था, यस उबेद खान का जो शुरुआती सफर रहा, शुरुआती बैटिंग रही, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, मान लीजिए रनों की बारिश कर दी अपनी टीम के लिए। 7 गेंदों में 22 रन का जो स्टार्ट मिला, वहां से ही इस टीम ने पकड़ी है रफ्तार और अब तक के उस रफ्तार पर कायम है दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ राहुल तो दूसरी तरफ अरफात। वेदांत की अगर बात करें तो अब तक के एक नो बॉल कर चुके हैं, एक वाइड बॉल कर चुके हैं, एक सिक्स लगा है, एक चौका लगा है, एक डबल आया है। कुछ विश्लेषण कुछ इस प्रकार का रहा इनकी गेंदबाजी का। नेक्स्ट बॉल, इस बार जोरदार अपील। यस, विकेट का पतंग होता हुआ इनर एज लेती हुई गेंद। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अंपायर ने जो निर्णय दिया है उसे मान्यता करना है, मान्य देना है और ग्राउंड के बाहर आना है। यस, विकेट का पतंग होता हुआ। जीत के लिए 13 गेंदें बची हुई हैं और रनों की जो ज़रूरत है वो है 20 रन। 13 गेंदें 20 रन, 13-20 का ये मुकाबला, 13-20 क्या होगा क्या नहीं देखते हैं। वेदांत को मिली है एक सफलता ज़रूर इस ओवर में। नेक्स्ट बॉल, इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है, एक रन मिलेगा, सिंगल, सिंगल से ज़्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ ज़रूर। गेंदें बची हैं हिस्से में 12 और 19 रनों की ज़रूरत। बारह गेंदें और 19 रन।
सात गेंदे 17 रन, सात गेंदों में 17 रन की जरूरत। मैच अभी भी रोमांचक स्थिति में है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए अमूल अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए तैयार हैं। शोएब, शोएब, दिस इज अ बिग हिट, गेंद हवा में है और खिलाड़ी गेंद के नीचे खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। इस ओवर में 3 विकेट लिए जरूर गेंदबाज अमूल ने और महज 2 रन का ओवर किया है। मैच में लाकर मैं तो कहूंगा खड़ा कर दिया अमूल ने। माननीय श्री सुशांत जी मुकदम साहब, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है राजू अनंत तरे चषक 2021 सीजन 9 में। सुस्वागतम, सुस्वागतम। यस, मैच के लिए जा रहे हैं जरूर, लेकिन 3:30 बजे का सूत्रों से पता चला है कि 3:30 बजे का मैच है। आइए, मंच पे आना है। बिल्कुल दीवे में टॉप 3 में पहुंचने वाली कासरवड़ोली की जो हमारी स्टार कास्ट टीम है, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे मंडल की ओर से, कमेटी की ओर से, और मेरे ख्याल से उस टीम में गोलू भी सदस्य है। यस, प्रसाद भी उस टीम के सदस्य हैं, मारियो, और हाल ही में जर्सी भी मिली है मारियो के नाम की और फुल फॉर्म में है। तो बिल्कुल उनका मुकाबला आज यहाँ पे भी है गांवगढ़ में, और यहाँ पे भी उन्हें समय देना है। जिस तरीके से सूचना हमें दी है विशाल दा ने कि आपको यहाँ पे भी रुकना है, यहाँ पे भी रहना है, तो चलिए फिर से एक बार आपको लिए चलते हैं ग्राउंड की तरफ। मैच का सिचुएशन है दर्शाता हुआ, 6 गेंदे 17 रन, 6-17 का मुकाबला, आर या पार की लड़ाई, एक तरफ मीरा रोड तो दूसरी तरफ बालकुम। 17 रन रोकने हैं बालकुम को और 17 रन बनाने हैं मीरा रोड को। लास्ट ओवर की जिम्मेदारी संभाली है महेश। महेश की पहली गेंद का स्वागत बिग 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 हिट के साथ, 6 रन, व्हाट अ हिट, आप बाद है। बिल्कुल वागबिल टीम कैप्टन नंदू पाटिल रेडी रहना है। नंदू, अगर मेरी आवाज, यस ऑफ कोर्स, हमारी आवाज आप तक के पहुंच ही रही है। हमारे बीच माननीय श्री रामशेठ ठाकुर साहब आ चुके हैं, वेलकम रामशेठ ठाकुर, एक 40 प्लस के एक युवा खिलाड़ी, एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही साथ एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन के रूप में इन्हें जाना और पहचाना जाता है। इनके ही आशीर्वाद से जय बजरंग उला टीम एक प्रतियोगिता 1 लाख की ऑर्गेनाइज कर रही है। दादा वेलकम, सुस्वागतम, राजू अनंत तरे चषक सीजन 9 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैच का सिचुएशन इस वक्त दर्शाता हुआ, 4 गेंदे 11 रन, श्रीकांत का गिरा है विकेट। यस डीजे,
बिग फाइट मैच, मैच का सिचुएशन देखिए, चार गेंदे 11 रन। यस फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज और थर्ड प्राइज अगर हम देखें तो ये ट्रॉफी के लिए जिनका योगदान रहा, स्पॉन्सरशिप रही, माननीय श्री रामशेठ ठाकुर साहब, इनके ही आशीर्वाद से ये ट्रॉफी प्रदान की गई है। इसी तरीके से दादा आपका आशीर्वाद हमारे युवा खिलाड़ियों पर, यंग जनरेशन पर, हर एक प्लेयर पर रहे ज़रूर। थैंक यू सो मच वंस अगेन राजू अनंत तरे चषक 2021 सीजन 9 चलता हुआ। आमिर आते ही साथ बैट का फेस खोला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, तीन गेंदे 11 रन। नेक्स्ट बॉल, दिस इज डिलीवरी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल। अब तीन गेंदों में जीत के लिए 10 रन की जरूरत, 3-10 का ये मैच। ओहो क्या मैच है। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए नंदू आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए खेला है जरूर, लेकिन वहां पर आप कितनी भी दूर स्ट्रोक जड़ लीजिए, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन, दो गेंदे 9 रन, दो गेंदों में 9 रन की जरूरत। इस मैच को जीतना है तो दो गेंदों में 9 रन बनाने जरूरी। ये बॉल पर मैच टिका हुआ है, इस बॉल पर क्या होगा, इस बॉल पर क्या घटेगा, क्या मैच ऑन रहेगा, इस बॉल पर ही होगा फैसला। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर, इस बार देखिए दिशा से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। ओहो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सिचुएशन चेंज होता हुआ, दो गेंदों में 8 रन की जरूरत। अगर इस बॉल पे एक आधा बड़ा हिट आ गया तो फिर यहां पर मैच जरूर रंग बदलेगा। दो गेंदों में जरूरत है 8 रनों की, इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, सिंगल रन कंप्लीट किया है और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब एक बॉल 7 रन, दवा की नहीं दुआ की जरूरत, अब दुआ लगेगी तो ही काम होगा, कंपलसरी चेजिंग है, यह चीज ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपको कंपलसरी चेजिंग करना है। अब यहां पर सिचुएशन है जरूर नजर आता हुआ, एक बॉल 7 रन, एक बॉल में 10 होते हुए देखा है हमने, अब देखना है एक बॉल पे 7 होता है या नहीं, दो बॉल में 13 होते हुए भी देखा है, दो बॉल में 12 होते हुए भी देखा है, दो बॉल में 14 होते हुए भी देखा है और एक बॉल में 10 होते हुए भी देखा है। एक बॉल में 7 क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। वेलकम नंदू, चलिए मैच की हुई है समाप्ति, इस मैच को जीत लिया है सुनवाई मरुआई बालकुम टीम ने, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड। नेक्स्ट मैच जो खिलाया जाएगा बालकुम टीम और भव्य 11 वाकबिल के बीच, वो 3 ओवरों का मैच होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। Bala, 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 bala